है एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल बड़ों को सादे चर्च पर, छोटों को ढेर सारा प्यार और गुड मॉर्निंग। और घर के काम चालू हो गए हैं, सुबह हो गए हैं और मेरा नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ होगा। हाँ, और मैंने सामने क्यों डाला, ताकि कोई जानवर जानवर आए कोई एनिमल जो भी होगा वो खा लेगा। गाय जो है आती है ना, तो खा लेगी। गाय वाले भैया वो उधर उनका घर है, तो उतना दूर नहीं जा रही थी मैं बोली यहाँ डाल देती हूँ। उनकी गाय आती है घूमते घूमते, ये पूरी गाय भैंस यही आते हैं और इतने बड़े गोबर देखे जाते हैं। ये कुर्सी देखो गाइस, ऐसे ही रख दिए। अरे इसको वॉश किया था, उसमें पानी था, अब पानी को कैसे निकालना है, कैसे निकालने का, तो ऐसे रख दीजिए, इसको अंदर ले जाती हूँ। अब ये सामान सारा यहाँ से हटा के उधर रखूंगी, उस प्लेटफॉर्म पे फिर होगा सफा, होगा ना मुश्किल। ये देखो रेलवे का डिब्बा बना दी मम्मी ने उस प्लेटफॉर्म पे, जो समझो। मैं इसी परेशान रहेगी तू नहीं होंगे। साफ सफाई होने के बाद बनाने वाली हूँ लौकी की दाल। तो लौकियों की काट लिया, सब रेडी कर दिया। टिंकू को लौकी की सब्जी पसंद नहीं है, हाँ दाल वो खा लेती है। तो गाइस बच्चों को तो इसी तरह से खिलाना पड़ेगा, और लौकी की दाल बहुत अच्छी लगती है रोटी चावल के साथ। तो लौकी काट लिया, दाल टमाटर हल्दी नमक डाल के बॉईल कर ली और फिर इसका तड़का लगा लिया। तो तड़का आप पचफोरन से लगा सकते हो, राई जीरा से। तो मैंने राई जीरा पचफोरन हींग डाल के और पेस्ट डाल दिया अदरक लहसुन का, प्याज भी उसमें इंक्लूड है। तो इसको थोड़ा सा 5 मिनट पका लेंगे लो फ्लेम पे, लो नहीं सॉरी मीडियम फ्लेम पे। और बेसिक मसाले सारे जो भी हैं वो डाल दीजिए आप। गरम मसाला अगर आपको डालना चाहो तो ठीक, वो अवॉइड भी कर सकते हो। और ये हमारा दाल बॉईल जो था वो हो गया, और इसको हमने लगा दिया तड़का। तो जिनको किस तरह से बहुत पसंद है, देखिए बहुत लाजवाब बनाएगा इस। तो आइए अभी खाने के लिए। और उसमें कड़ी पत्ता तल गया था ना, तो और मज़ा आ गया, क्योंकि खुशबू आ जाती है और टेस्ट बढ़ जाता है ना। अच्छा मस्त रियल बहुत थी, हम भी बना था। और हाँ, मैंने बनाया अपने लिए ग्रीन चटनी, हरी हरी धनिया, इतनी अच्छी थी, खुशबू आ रही थी, तो मैं उसे रुका नहीं गया। मुझे चटनी बहुत पसंद है, मैं रोटी चटनी खा के भी खुश हो जाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा धो के आके फिर खाना खाऊंगी। अरे चोरी कर ले मेरे प्रॉप का। हाय एवरीवन, मैं नहा धो के आ गई, बाकी और काम जो है वो आपको मिलेगा। फिर कैसे लग रही हूँ मैं, कंचना जैसे। तो फिर बाकी लोग बने रहे, मैं कंगी उंगी करके रेडी जाती हूँ। और ये क्या कहते हैं फ्रूट को, मैं भूल गई ना। चलो जो भी कहते होंगे, तो कैसे आप बता देना, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा यार क्या बोलते हैं इसको। चलो जान दो, स्वीटी इसको काट रही है खाने के लिए। मैं ना के आई, और मैं ना के आती तो मुझे पहले पानी चाहिए, पहले पानी अच्छे से पीती हूँ फिर खाना ना खाने की इच्छा होती है। तो इन लोगों ने तो खाना खा रखा था गाइस, तभी लोग ये खा रहे हैं। और खाना वाना खाने के बाद फिर मेरी ये इवनिंग टाइम है, तो बन रही है चाय। चाय के बाद मैं आई पूजा करने के लिए, तो वो भी आपसे शूट कर रही है। हाँ कपड़ा चेंज हो गया, आप ये सोच रहे होंगे, तो कपड़ा इसलिए चेंज हो गया इस, क्योंकि फ्रॉक था ना वो तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बाहर से जाके थोड़ा, तो मैंने ये चेंज करके ये पहन लिया। और यहाँ दीपक जला रही हूँ, और हमारे घर के पास में एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर भी माथा टेकूँगी। तो तुलसी विवाह था, तो हमने तुलसी विवाह किया, तुलसी जी की शादी की।
वो शूट नहीं कर पाए, उसमें कैमरा ना पता नहीं क्या बस अजीब ही कुछ हो रहा था। आज मैं कुछ खास तैयार नहीं हुई, बच्चे बोल रहे थे तैयार हो जाओ मम्मी अच्छे से, तो मेरे मूड नहीं था, तो मैंने कहा नहीं अभी तैयार होने की कुछ इच्छा नहीं है, तो बस भगवान की जय कर रही हूँ, आप भी कर लो। और अब खाना खाएंगे, रात का ये खाना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।